वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरैक्टिव क्लासेस. हियर आर फ्यू वीडियोस. आई होप यू ऑल विल एंजॉय दीज इंटरैक्टिव वीडियोस. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. दिस इज योर मैथ्स टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक एंड टुडे we are going to study our second chapter, that is long and short. In our third class we have already read about millimeters, centimeters and kilometers. In this class and in this chapter at your book, you can see there is a scale printed on the right side of your book. These small lines are called millimeters. These 0 to 1, 1 to 2, these are called centimeters. And after centimeter, it's meters and then it's kilometers. Things to remember. 10 millimeter is equal to 1 centimeter. Millimeter is the lowest unit of distance. 10 millimeter is equal to 1 centimeter. 100 centimeter is equal to 1 meter and 1000 meters is equal to 1 kilometers. These are the points which you have to remember, right students? In page number 14 there is a story about Akbar and Birbal, and under this there is a questions. Try this. In this you have to do some task, and these are: make her right arm 1 centimeter longer than the left arm. Just measure this arm, right, by the help of your scale. Scale की मदद से इसके इस हाथ को नाप लेंगे, और उसके बाद वो कहता है कि 1 centimeter longer, जो आप इस हाथ पे जो उसका हाथ बनाएंगे वो 1 centimeter long होना चाहिए. ठीक. Draw a cup 1 centimeter shorter than the कप. ये इस कप को मेज़र करेंगे. इस कप की जो लेंथ है वो लगभग, मैंने जो स्केल से नापी, वो 2.4 सेंटीमीटर्स है. 2.4, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड डेसिमल. इसे बोलते हैं हम डेसिमल. तो 2.4 का मतलब होता है कि 2 यहाँ पर 2 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर्स. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम. इस ब्रूम से हाफ, आधा इस ब्रूम को मेज़र करेंगे, और उसके बाद इससे आधा वाला जो होगा ब्रूम उसको बना देंगे. और लास्टली यू ड्रॉ अ हेयर ऑफ डबल द लेंथ. ये हेयर को हमने मेज़र करना है, और जो मैंने मेज़र किया था वो था 0.5. देखें कि पेज नंबर 14 पर जो आर्म है वो 1 सेंटीमीटर का है, कप 2.4 सेंटीमीटर का है, एंड ऐसे ही जो ब्रूम है वो 4.4 सेंटीमीटर. 4 मतलब 4 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, राइट. जब हमने पिछली क्लास में रुपीज़ का चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने करा था कि इफ़ देयर इज 3 रुपीज़ 50 पैसा तो हम लिखते थे 3.5 लिखते थे ना. तो ठीक उसी तरीके से 3.5, 3 रुपीज़ एंड 50 पैसा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी है. जो हेयर है उसके, ठीक है ना, वो है 0.5 mm, यानी मतलब 0.5 सेंटीमीटर्स और 5 mm, ठीक है ना. अब यहाँ पर जो डेसिमल हम लोगों ने बनाया है, दिस इज कॉल्ड, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल. दिस इज डेसिमल, एंड बिफोर डेसिमल इट इज सेंटीमीटर. इन दिस क्वेश्चन बिफोर डेसिमल इट इज सेंटीमीटर, एंड आफ्टर डेसिमल इट इज मिलीमीटर. राइट स्टूडेंट. नाउ in page number 16 there is a inter school sports meets. In this meet, a 100 meters race for girls, right, and here is Arundhati, she is Rihanna, and here is the two girls called named Konkana and Uma, right, and we have here some distance, and we have to put these distance in between them, right students.
दिस इज योर फिनिशिंग लाइन. ए मीन्स अरुंधति, आर मीन्स रेहाना, एंड के मीन्स कोंकणा, एंड यू मीन्स उमा. राइट स्टूडेंट्स, अब वी आर ट्राइंग टू गिव द डिस्टेंस. ये हमारे को बताया हुआ है कि फिनिशिंग लाइन से जो अरुंधति है शी इज 6 मीटर अवे. राइट स्टूडेंट्स, तो 6 मीटर अवे है. अब हमारे को गेस करना है कि रेहाना और अरुंधति के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है. और हमारे को जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है बुक में 3, 6 एंड 10 एंड 15 मीटर्स. राइट, तो हमें लगता है कि रेहाना और अरुंधति के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है, 3 मीटर्स. राइट, एंड जो कोंकणा एंड उमा है उनके और रेहाना के बीच में जो डिस्टेंस है हम ये मान के चलते हैं कि 6 मीटर का डिस्टेंस है, जैसे कि उनको देख के लग रहा है. राइट स्टूडेंट्स, अब वो क्वेश्चन पूछता है कि आपसे कि हाउ फार द इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, अरुंधति से रेहाना कितनी दूर है. ठीक है ना, तो इस पिक्चर के हिसाब से हम उन क्वेश्चंस को दे सकते हैं जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. राइट, अब लास्ट में दिया हुआ है यू कैन सो यू कैन से इन अ 1500 मीटर रेस पीपुल रन्स. अब क्या है 1500 मीटर्स, 1500 मीटर्स को अगर हम कहेंगे तो 1000 मीटर्स प्लस 500 मीटर्स ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1000 प्लस 500 मीटर्स. अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि रिमेंबर दिस कि 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर्स. राइट, तो यानी कि 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स का मतलब क्या हो गया, हाफ किलोमीटर हो गया ना, यर 0.5 किलोमीटर्स. राइट, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1.5 मीटर्स इज ऑल्सो नोन एज 1500 मीटर्स इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर्स. एंड सिमिलरली 3000 मीटर्स इट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3000 एंड 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स. राइट स्टूडेंट्स, दिस इज योर पेज नंबर 17 एंड इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैराथन. राइट, एंड मैराथन इज अ रेस इन विच द प्लेयर्स हैव टू रन 40 किलोमीटर्स. मैराथन में 40 किलोमीटर्स वो लोगों को दौड़ना होता है. और ये जो मैराथन है वो रोड पर दौड़ी जाती है. क्यों? क्योंकि जो ट्रैक होता है वो 400 मीटर होता है स्टेडियम के अंदर का. अब वो क्वेश्चन पूछता है कि 10 राउंड्स इन अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, 400 मल्टीप्लाइड बाई एक राउंड में 400 मीटर्स, तो 10 राउंड्स में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो 400 से हम उसे मल्टीप्लाई 40 किलोमीटर्स कहाँ गया, 10 राउंड्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 400. राइट, तो इट बिकम्स 4000 मीटर्स, इट मीन्स 4 किलोमीटर्स. कैसे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4000 मीटर्स. ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में. नाउ द अदर क्वेश्चन इज, सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कम्प्लीट डैश राउंड. अब वो कहता है कि अगर हम इस मैराथन को इस स्टेडियम के 400 मीटर में रन करेंगे तो हमारे को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे. तो अब 40 किलोमीटर्स है, क्या है वो 40 किलोमीटर्स. 40 किलोमीटर्स को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर्स में. तो एक मीटर कितने का होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स का. तो 40 किलोमीटर्स कितने के हो जाएंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 40,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो ये हो गए 40,000 मीटर्स. ये तो हो गया हमारा टोटल जो हमें रन करना है. अब हमारे जो स्टेडियम का ट्रैक है वो है 400 मीटर्स. राइट, अब 400 मीटर्स का अगर वो ट्रैक है तो और हमारे को कितना दौड़ना है, इतना दोबारा दौड़ना है, तो हमें उस ट्रैक में कितना करना पड़ेगा, तो हमें क्या करेंगे, 40,000 मीटर्स को डिवाइड कर देंगे 400 से. जब हमसे डिवाइड करते हैं तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 40,000 ऊपर और 400 नीचे.
अब इसको डिवाइड करने का जो सबसे ईजी तरीका है वो इस तरीके से है कि जीरो जीरो जहाँ जो है ऊपर नीचे के जीरो ऊपर वाले जीरो से कट कर देंगे, तो टू जीरो नीचे थे, टू जीरो ऊपर थे, तो ये टू जीरो कट गए, नीचे बचा फोर और ऊपर बचा 400, तो ये क्या हो जाएगा, फोर का टेबल पढ़ेंगे फोर तक, तो फोर वन जा फोर वन आ गया और टू जीरो ऐसे के ऐसे आ गए, तो 100 4 जा 400, तो यानी कि हमें कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे, 100 राउंड्स, यानी कि अगर हमें एक मैराथन को जो कि 40 किलोमीटर्स की मैराथन है उसको हमें 400 मीटर्स के ट्रैक पे रन करना है तो हमें उस स्टेडियम के 100 राउंड्स लगाने होंगे, ठीक है ना बच्चों। अब पेज नंबर 17 पे ही जंप, लॉन्ग जंप चल रही है बच्चों की, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो धानु है उसने लॉन्गेस्ट जंप लगाई है जो कि 3 meters and 40 centimeters है। गुरजीत की जो है सेकंड पर आए हैं गुरजीत और उसने जंप किया 20 centimeters लेस देन धानु। धानु की जितनी जंप थी उससे कितना लेस, 20 centimeters कम, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें गुरजीत की जंप निकालनी है तो हम धानु की जंप से उसे माइनस कर देंगे, कितना, जितनी उसकी कम थी 20 centimeters, ठीक है। वो हमने कैसे निकाली, ये देखिए कि धानु की जंप 3.40 meters, गुरजीत की कितनी, 20 centimeters लेस, और गोपी की कितनी है, गुरजीत से 0.05 centimeters लेस, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, गुरजीत की जंप निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, धानु की जो जंप है, धानु की जंप कितनी है 3.40 meters, 30.40 meters में से हम कितना लेस कर देंगे, गुरजीत कितना लेस था 20 centimeters, माइनस कर देंगे 20 centimeters, तो कितना हो जाएगा 3.20 meters, कैसे आया 3.40, माइनस कर देंगे 0.20 जो कि उससे कम था, 3.2 meters आ जाएगा, राइट। अब हमें गोपी की निकालनी है, गोपी की जंप कितनी है 0.05 centimeters कम है, किससे, गुरजीत से। अब हमने गुरजीत की तो निकाल ली है, गुरजीत की है 3.20, माइनस कर देंगे 0.05, तो इक्वल टू हो जाएगा 3.15 meters, यानी कि 3 meters and 15 centimeters, ठीक है बच्चों, डन। अब हम बात करते हैं इन पेज नंबर 18, हेयर इज अ टेबल, इन दिस दे आर हाई जंप मेंस, लॉन्ग जंप मेंस, हाई जंप वुमेंस एंड लॉन्ग जंप वुमेन, world record and Indian record, we have to read this properly, हमें पहले इस टेबल को अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जम्प टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जम्प। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जम्प टू रीच 2 meters, राइट स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने कहा कि मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 2 meters and 45 centimeters का है, जबकि चंद्रपाल का रिकॉर्ड जो है 2.17 centimeters का है। अब हमारे को अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर करना है तो हम इसमें से इसको डिफरेंस देख लेंगे कि कितना कम चंद्रपाल ने कूदा है। अगर चंद्रपाल 28 centimeters और कूदते तो उनका जो जंप था वो बराबर हो जाता मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड के। सेकेंड क्वेश्चन में बॉबी ए जो है उसको 2 meters जंप के बराबर करने के लिए कितना कूदना पड़ेगा, तो हम 2 meters में से बॉबी ए की जंप को माइनस कर देंगे, बॉबी ए की जंप है 1 meter and 91 centimeters, तो इनको माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 9 centimeters, तो इसका मतलब ये है कि बॉबी को चाहिए कि वो जंप करे और 9 centimeters को, तो पहुंच जाएगी वो 2 meters पर, राइट स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि लुक एट द वुमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाइएस्ट जंप। तो जो वुमेंस की अभी हमने ऊपर देखी थी, हाइएस्ट जंप और लॉन्गेस्ट जंप का डिफरेंस हमें इसका बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वुमेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्ग जंप का कितना है, जो बड़ा है वो है 7 meters 52 centimeters, और वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप का कितना है 2 meters and 9 centimeters, तो उसमें से अगर हम इसको डिफरेंस माइनस निकाल देंगे तो लॉन्ग जंप और हाई जंप का डिफरेंस निकल आएगा, वो क्या होगा 5 meters and 43 centimeters, तो यानी कि जो डिफरेंस है उनका 5 meters and 43 centimeters है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ़ पी माइक कुड जंप 10 centimeters longer हिज जंप वुड बी फुल 9 meters। अब
पी जंप की जब हमने ऊपर टेबल देखा था तो पी जंप की जो पी माइक की जो जंप थी वह थी 8 meters 95 centimeters और हमारे को उसको 9 meters तक पूरा करना है, तो कितना अंतर आएगा उसको हम उसे माइनस कर देंगे। 9 meters में से 8 meters 0.95 centimeters को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05 centimeters। 0.05 का मतलब कि 5 centimeters मोर। अगर पी माइक 5 सेंटीमीटर्स सॉरी अगर वो और जंप करते तो वो बराबर हो जाते पूरा 9 meters के बराबर हो जाते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं पेज नंबर 19 में तो एक रनिंग एक्सरसाइज है। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को बोला है कि उसने प्रतिदिन 2 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो वो एक ग्राउंड में जाता है और बताना है आपको कि उस ग्राउंड के चक्कर काटता है तो हाउ फार डिड ही रन, वह कितना पूरा चलता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक राउंड ऑफ फील्ड का जो रन है वो 500 मीटर्स का है। 500 मीटर्स ये है। ठीक है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं देवी प्रसाद तो 5 meters 5 meters 5 meters 5 meters एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो इन 5 5 5 meters को हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200 meters, जो कि 200 meters का मतलब क्या, 2000 meters सॉरी, 500 plus 500 plus 500 and 500। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2000 meters। 2000 meters का मतलब हो गया 2 kilometers, यानी कि उसका अगर वो इस फील्ड का पूरा एक राउंड लगाते हैं तो उनको पूरा 2 kilometers चलना उनका हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि देवी प्रसाद के घर से ये बहुत दूर पड़ रहा था, तो देवी प्रसाद ने घर के बगल में जो एक पार्क है वहाँ पर, जो कि 400 मीटर्स का लॉन्ग है ये वो पार्क है, तो वहाँ पर वो रनिंग अपना करने लगे। तो अब हमें बताना है कि हाउ मेनी राउंड्स ऑफ पार्क, इस पार्क के कितने राउंड देवी प्रसाद को लगाने होंगे कंप्लीट करने के लिए 2 kilometers। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 2 kilometers में कितने होते हैं, 200 meters, और बाउंड्री ऑफ पार्क कितनी है, 400 meters। तो यानी कि 2000 मीटर्स में से अगर हम 400 को डिवाइड करते हैं उस पार्क की, ये पार्क की डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस जो कि देवी प्रसाद को चलना है, तो वो डिवाइड करते हैं। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि डिवाइड करने के लिए यू हैव टू पुट 2000 अंडरलाइन एंड 400 400। एंड नाउ वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, एक दिन मौसम बहुत अच्छा था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। ही फेल्ट सो गुड, और उन्होंने देवी प्रसाद इतना अच्छा लग रहा था कि वह जॉगिंग करते चले गए जब तक कि वह थक कर चूर नहीं हो गए और उन्होंने 8 rounds लगा दिए उस 400 meter पार्क के। तो अब आपको बताना है कि वह उस दिन कितना दौड़े और कितना किलोमीटर और कितना मीटर्स में वो दौड़े। तो अब 8 rounds, 1 round में कितना, 400 meters, तो 8 round में कितना, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा वो ऐसे होगा कि 800 meters इज मल्टीप्लाइड बाई 8 multiplied by 400 meters इज इक्वल टू 3200 meters। 3200 का मतलब कितना हो गया कि 3000 का मतलब हो गया 3000 मतलब 3 kilometers और 200 meters, तो आंसर आएगा उधर 3 kilometers and 200 meters। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ कुतुब मीनार एंड वी हैव टू टेल द कुतुब मीनार की हाइट जो है इट इज़ 72 meters हाई। अब हमारे को बताना है कि एक अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम, तो तुम्हारा क्लासरूम जो है कितना मीटर हाइट होगा। ठीक है, और गेस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल्स टू द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कितने मंजिल मकान के बराबर होगा ये बताना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक अंदाज़ा लगाया, ठीक है ना, कि वन रूम की जो हाइट होती है वो लगभग 4 meters होती है। एक रूम की हाइट लगभग 4 meters होती है, ठीक है ना, और कुतुब मीनार कितना है, 72 meters हाइट। ठीक है, तो अब उसको डिवाइड कर देंगे, 72 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इट विल बिकम्स 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक रूम है 4 meters का, तो टोटल रूम्स कितने हो जाएंगे, 18 rooms, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर हम 18 rooms बना देंगे तो वो 72 meters के इक्वल हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज एंड पेज नंबर 20, उसमें क्या है, एक स्टोरी थी कोझिकोड और थारा सेरी के।
अब इसमें उन्होंने पूछा था एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आने के बाद इस पॉइंट से कोझिकोड जो है वो 24 किलोमीटर्स है और जो थालासेरी है वो 46 किलोमीटर्स दूर है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करा, हम ये मानते हैं कि एक पॉइंट ए पर, ठीक है ना, जो वो सुबोध है, ठीक है ना, वो खड़ा है और वहीं पर खड़ी है कौन, वेरी गुड, मंजुनी। कौन खड़ी है? मंजुनी। अब ए पॉइंट पे थे तो ए पॉइंट से 24 किलोमीटर्स पे के, के फॉर कोझिकोड, ठीक है, और टी फॉर थालासेरी। तो कहता है कि इस ए पॉइंट से 24 किलोमीटर तो कोझिकोड है और यहाँ से 46 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, थालासेरी है। तो यानी कि 20, अब के और टी के बीच में कितनी दूरी हो गई, 24 प्लस 46, तो इसका आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर्स। राइट स्टूडेंट्स, और अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो ग्राउंड वाला है, फील्ड वाला है, वो आप खुद करेंगे। अब अगर मैं आ जाए पेज नंबर 21 में, इसमें क्या करना था, एक टेबल बनानी थी और वो टेबल हमने किस तरीके से बनाई है बच्चों, ऐसे बनाई है देखो, ठीक है ना, फ्रेंड्स नेम और उसके बाद उसका डिस्टेंस। राकेश, राकेश के घर की दूरी हम मान के चलते हैं स्कूल से 500 मीटर्स है। उसके बाद आएगा रजनी, रजनी के घर की जो दूरी है वो 300 मीटर्स है क्योंकि वो घर के स्कूल के बहुत पास रहती हैं। उसके बाद आ जाए दीक्षा, दीक्षा के घर की जो दूरी है वो लगभग है 600 मीटर्स। उसके बाद आयुष, आयुष के घर की है लगभग क्योंकि वो संगम विहार से आगे रहते हैं, वो 900 मीटर्स मान लेते हैं। और सुरभि, सुरभि रहती हैं संगम विहार की पुलिया को पार करने के बाद, तो वो कितना किलोमीटर्स मान के चलें, 1000 मीटर्स कह लें या 1 किलोमीटर्स की दूरी पर वो रहती है, ठीक है ना। अब ये हमने टेबल बना ली है, अब इस टेबल के बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर वन बाय वन देना है। राइट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस भी आप अपने आप करेंगे। नाउ इन द लास्ट चैप्टर जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड डे, एंजॉय योर, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।